अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक और फिल्म का नॉवेज अल्टीमेट लिफ्ट सेट है, इसका रिव्यू शेयर करूंगी। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और हाँ, इसकी प्राइस के बारे में डेफ़िनेटली बात करेंगे। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने पूरा नॉलेज जो है वो ख़ुद भी लेना है और इस वीडियो को एज आ प्रोडक्ट नॉलेज आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट्स की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती एक पैकेजिंग में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और इसमें 5 प्रोडक्ट्स होते हैं। एज़ यू कैन सी इन योर स्क्रीन, इसके 5 इमेजेस हैं, सॉरी 5 प्रोडक्ट्स हैं। 2 डे और नाइट क्रीम है और एक नॉवेज का क्लिनज़र है यानी क्लिनजिंग जेल है, एक सीरम है और एक आई क्रीम है। अगर हम आई क्रीम की बात करें तो आई क्रीम, चलिए हम इसको फर्स्ट स्टेप से लेके चलते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको आपको सबसे पहले जो है वो एक प्रॉपर क्लिनज़र की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी स्किन की जो है वो डस्ट डर्ट को रिमूव करे, ऑयल जो भी आपकी स्किन पे आया हो उसको ख़त्म करे और आपको एक अच्छा साफ फ्रेश, जब डे आपका स्टार्ट हो तो आपकी स्किन बाकायदा तौर पे अच्छे से ग्लो कर रही हो। अच्छा, ये सेट स्पेशली उनको रिकमेंड किया जाता है जो कि 40+ हों, ठीक है जी, 40+, क्योंकि उनकी स्किन सैगी हो रही होती है, उनकी स्किन लटक रही होती है एंड रिंकल्स आ रहे होते हैं। प्री मेच्योर जिनको एजिंग साइन स्टार्ट हो जाते हैं, ये उनको भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि सेम नॉवेज के सब प्रोडक्ट्स में क्लिनज़र नॉवेज का जो स्प्रीम क्लिनजिंग जेल है, ये आज मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ और एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है कि अगर आपके पास कोई 20+ लाइक कोई कस्टमर या कोई पेशेंट आता है जिसकी 20+ एज है लेकिन ओपन पोर्स की वजह से उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा लटक रही है, ओपन पोर्स डार्क स्कार्स बन गए हैं गहरे, और उसकी वजह आप उसको ये रिकमेंड क्लिनज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नॉवेज के ब्राइट सेट में भी मिलेगा, नॉवेज के अल्टीमेट लिफ्ट सेट में भी मिलेगा, या आपको नॉवेज के हर सेट में मिलेगा, ठीक है जी। सो आप जो है इसको एज अ क्लिनज़र उनको 20+ एज वालों को रिकमेंड कर सकते हो। अच्छा, इसके 5 स्टेप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपकी स्किन आपके आई एरिया के पास, आपके चीक्स पे, आपके लिप्स के अराउंड और आपके आईज़ के और माथे पे, फोरहेड पे रिंकल्स शो हो रहे होते हैं, तो आप लोग इस सेट को ज़रूर ट्राई आउट करें अगर आप 40+ हैं। अगर आप 30+ हैं तो आप इसके साथ अपनी जो भी, जिससे भी आप प्रोडक्ट बाय करें उसके साथ एक मैचअप का एक सेट अच्छा सा बनवा के आप लोग फिर जो है वो इसको जो है वो ट्राई आउट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके आता है क्लिनज़र, क्लिनज़र के बाद आपका क्या आता है जी? आपका आता है आई क्रीम, आई क्रीम के बाद आता है जी सिरम, सिरम के बाद आता है आपकी डे क्रीम। तो आपकी मॉर्निंग प्रेप जो है वो हो जाती है आपकी स्किन मॉर्निंग के लिए। अच्छा, इसमें SPF मौजूद है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन रेज से, यूवी रेज से, जो आपकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज करती हैं, आपकी स्किन को हार्म करती हैं, और ये आपकी स्किन को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। अच्छा जी, इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट की डिटेल्स में मैं यहाँ पर नहीं जा रही। ये इसकी प्राइस जो है मैक्सिमम आपको अगर 20% डिस्काउंट भी मिले, वैसे तो इसकी प्राइस जो है वो 15 to 18,000 है पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडिया MRP में आप इसको ख़ुद देख लीजिएगा। सो आप लोग जो है वो इसको इजीली जो है वो आप एक प्रॉपर, अगर आप इसको पूरा मैनेज नहीं, पूरा आपकी मतलब अफोर्डेबल नहीं है, आप इसका जस्ट जो है वो क्लिनज़र, आप इसकी सिरम, आप इसका डे क्रीम या नाइट क्रीम पहले ले लें, फिर डे नाइट क्रीम ले लें, फिर आप इसकी आई क्रीम, लाइक अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके अपना सेट प्रॉपर पूरा बनवा लें। 1-2 मंथ लग जाएंगे लेकिन आपका ये पूरे 5 साल तक गारंटी देता है कि आपकी स्किन पे कोई, आपकी स्किन पे प्रीमैच्योर एजिंग साइन तक शो नहीं होता, आपकी स्किन पूरी तरह से टाइटन अप हो जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है और आपके रिंकल्स और सब कुछ जो है वो फाइन लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। सो ये थी जी आज की एक वीडियो छोटी सी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर नॉलेज मिला होगा और आपको प्रोडक्ट्स
किस एज को के बंदे को क्या कौन सी प्रोडक्ट सजेस्ट करनी चाहिए, थोड़ी सी वो भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, हाँ हाँ ऐसे नहीं जाना, इस वीडियो को प्रोडक्ट नॉलेज के तौर पर अपने टीम मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।